पहली बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मध्य प्रदेश में ओबीसी का मुद्दा आने वाले दिनों में और गरमाने के आसार नजर आ रहे हैं। सरकार इस वर्ग के लिए इस तैयारी में है कि 27% आरक्षण दिला दे, जबकि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को ठहरा रही। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में ओबीसी का मुद्दा दोनों दलों के लिए मुश्किल बन गया है। 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना है। उससे पहले संगठन और सत्ता के लोगों ने सरकार के उठाए कदमों का स्वागत किया, बल्कि सीएम का आभार जताकर मैसेज दिया कि बीजेपी ओबीसी के साथ है। ओबीसी वर्ग के साथ पंचायत के चुनाव में, ग्रामीण निकाय के चुनाव में छल कपट करके ओबीसी वर्ग के अधिकारों पर प्रहार किया था, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा के अंदर संकल्प पारित किया था कि हम किसी भी कीमत पर ओबीसी वर्ग के साथ इस प्रकार का जो छल और कपट कांग्रेस करने का प्रयास कर रही है, उनके हक और अधिकार पर जो आक्रमण किया था, हम ऐसी बातें इस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं होने देंगे। हम ओबीसी वर्ग को न्याय दिलाएंगे। ओबीसी पर कांग्रेस की भी नजर है और तमाम बातों पर खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ध्यान दे रहे हैं। अल्पसंख्यक हो या ओबीसी, दोनों को साधने में लगे हैं और इन वर्गों की दिक्कतों को लेकर सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। अगर मैं स्थगन प्रस्ताव नहीं मूव करता तो क्या ये संकल्प आता? संकल्प तो हो गया, अब इसके लिए जो कार्रवाई करनी है, कानूनी कार्रवाई करनी है, आप करिए, सरकार का कर्तव्य है। अभी तो आप कोर्ट में जीतिए, कोर्ट का कानून लाइए, आरक्षण लेकिन लगातार पक्ष और विपक्ष यही कोशिश में है कि ओबीसी की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, यानी ओबीसी का मुद्दा दोनों के लिए चुनौती है। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो मध्य प्रदेश में ओबीसी का मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश के साथ साथ 5 राज्यों में भी चुनाव होना है, तो ओबीसी का मुद्दा बहुत अलग है। और इसीलिए चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की, बीजेपी तो कोर्ट भी पहुंच गई, केंद्र ने भी इसके लिए अपनी तरफ से याचिका लगा दी है, दूसरी तरफ राज्य सरकार की तरफ से भी, लेकिन 17 तारीख को इस पर सुनवाई होना। इस बीच ओबीसी भी सड़क पर दिखाई दिए, कई लोग सड़क पर भी आए, पर ओबीसी का जो महासंघ है वो ये कह रहा है कि हमें आरक्षण मिलना चाहिए। पर इसके पीछे और भी सियासत नजर आ रही, क्योंकि दूसरे वर्ग अपने तरह से सवाल उठाने लगे। तो आखिर क्या दोनों दलों के लिए मुश्किल है, चलिए समझते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त चेतन भट्ट जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सीधे उनसे ही हम बात कर लेते हैं। उसके बाद 2 और मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। चैतन्य जी, कई बार ओबीसी के मुद्दे पर हम लोग बात कर चुके, 17 को सुनवाई होगी, लेकिन जैसा हमने देखा कि एक दिन पहले यानी कल शिवराज जी से मुलाकात किए भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स, इस बीच में ये भी देखा कि कृष्णा गौर को उपाध्यक्ष बना दिया गया, ओबीसी मोर्चा को उनको कैबिनेट का दर्जा दे दिया क्योंकि वो भी उसी वर्ष से आती है, और कई लोगों को साधने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा। संगठन ने शिवराज जी का शुक्रिया इसलिए अदा किया कि आप आगे बढ़ रहे हैं, कोर्ट में चले गए हैं, तो ये ओबीसी के लिए आपका कदम अच्छा है। पर क्या इसके पीछे भी एक सियासत नजर आ रही है, एक चिंता है बीजेपी के भीतर भी और कांग्रेस के भीतर? ये देखिए मनोज जी, ये जो ओबीसी का मसला है, मुझे लगता है ये दोनों दलों के लिए गले की फांस बन गई, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि बिना सोचे समझे जिस तरह की घोषणाएं नेता कर देते हैं और उसके बाद उसका क्या रिपरकेशन होता है इसका अंदाजा उनको शायद नहीं होता है। 27% आरक्षण के साथ हम पंचायत का चुनाव करेंगे, ये घोषणा तो आपने कर दी थी पंचायत कि हम 27% आरक्षण देंगे, लेकिन वो आरक्षण आप दे सकते हैं कि नहीं, इसके भी बहुत से कानूनी पहलू हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय पीठ इस बात से इनकार कर चुकी है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, तब बिना सोचे समझे इस तरह के अगर आप घोषणा करते हैं तो वो गले की फांस बन जाती है। कांग्रेस के लिए भी गले की फांस है। दिक्कत ये है कि दोनों ही दल ओबीसी का एक बहुत बड़ा तबका है, 52% ऐसा बताया जाता है कि 52% जो संख्या है वो ओबीसी वर्ग की है, तो उनको अपने तरफ लाने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। अब चूंकि आरक्षण नहीं मिल पाया, आपके पंचायत के चुनाव भी निरस्त हो गए, तो अब दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।
अभी भी जब मामला सब ज्यूडिस है और 17 तारीख को उसमें सुनवाई होना है, उसके पहले इस तरह के बयान आ रहे हैं कि हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं, बिना आरक्षण के हम चुनाव नहीं करवाएंगे। इधर कांग्रेस भी कह रही है कि 27% आरक्षण के साथ ही आप चुनाव करवाओ, अन्यथा हम आंदोलन करेंगे। तो इन परिस्थितियों में पूरी तरह से जो स्थिति है वो बड़ी गड्ढमड्ढ है। आप देखिए कि शिवराज सिंह ने जरूर ओबीसी को अपने पक्ष में लाने के लिए घोषणा की थी, लेकिन जब ओबीसी महासभा ने भोपाल में मुख्यमंत्री के निवास घेरने की कोशिश की तो पुलिस ने जिस तरह से, जैसा उनका आरोप है कि पुलिस ने उनको, उनके आंदोलन को कुचल दिया, उनको जंगल में छोड़ दिया, और लोकेंद्र गुर्जर जो उनके काफ़ी बड़े लीडर हैं, उनने तो स्पष्ट कहा कि आपने हमें भोपाल से खदेड़ा है, हम आपको गांव से खदेड़ देंगे। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, शायद यही कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग है और जो दूसरे नेता हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री का सम्मान किया ताकि उसको काउंटर किया जा सके कि नहीं, पिछड़ा वर्ग हमारे साथ है। तो ये सारी स्थितियां, जब तक 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट कोई आगे की बात नहीं कहता, तब तक मुझे लगता नहीं कि इस मामले में कोई पहल हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और बहुत कानूनी मसला है और इसमें रिव्यू पिटीशन भी जी रिव्यू पिटीशन भी लगाई है मध्य प्रदेश शासन ने कि भाई आप आरक्षण दीजिए हमें। लेकिन सवाल वही आ जाता है कि जब वो महाराष्ट्र वाले केस आते हैं या दूसरे भी दीगर केस आते हैं, उनको देखते हुए 50% से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये न्यायालय तय। चलिए सर समझ लेते हैं। मेरे साथ दोनों मेहमान जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से उमेश शर्मा जी। उमेश जी आपका स्वागत है। प्रताप भानु शर्मा जी कांग्रेस से पूर्व सांसद है, आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। उमेश जी, ये जो बार बार दिखाई दे रहा है, हमने देखा कि कृष्णा गौर को भी आपने अभी पद दिया, वो भी उसी ओबीसी वर्ग से आती है। दूसरी तरफ कल तमाम सारे लोगों ने मुख्यमंत्री जी का सम्मान इस बात को लेकर किया कि आप 27% आरक्षण को लेकर कटिबद्ध है और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ये सम्मान, ये तमाम तरह की चीज़ें, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और ओबीसी को आप नज़रअंदाज कोई भी नहीं कर सकता, जो दिखाई दे रहा, जिस तरह से चिंता दिखाई दे रही बीजेपी की हो या कांग्रेस की, पर क्या 17 तारीख को जो तैयारी है, 17 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद ही स्पष्ट होगा क्या स्थितियां होंगी, लेकिन क्या ये मुश्किल बढ़ा रहा है? नहीं मनोज जी, वो मुख्यमंत्री निवास पर पिछड़ा वर्ग के साथी आए थे, उसको केवल सम्मान तक सीमित रखकर नहीं देखा जाना चाहिए जी। मुझे लग रहा है कि ये सकारात्मक और सार्थक संवाद की एक पहल थी, और स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री चूंकि मध्य प्रदेश में सभी के अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उनके साथ अगर किसी भी प्रकार का संवाद करने के लिए या सार्थक चर्चा करने के लिए कोई भी प्रतिनिधि मंडल या किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में आता है तो पारस्परिक अभिवादन होता है और उसको एक सम्मान की शक्ल प्राप्त हो ही जाती है। तो मुझे लग रहा है कि यह पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की दिशा में एक संवाद और एक सार्थक चर्चा की पहल की, एक तो ये बात। और दूसरा मनोज जी महत्वपूर्ण विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए थे, उन्होंने सबसे बड़ा जो डायरेक्शन दिया था वो ये दिया था कि ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या का आकलन किया जाना आवश्यक है, और जब तक ओबीसी वर्ग की वास्तविक जनसंख्या का आकलन नहीं दिया जा सकता है तब तक संशय रहेगा कि आरक्षण का प्रतिशत कितना किया जाए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने यह पहल करी है, और मैं आपको आज बहुत प्रमाण पूर्वक कह रहा हूं कि 17 जनवरी की सुनवाई में मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश में ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या कितनी है यह प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करा जाएगा, क्योंकि जो सारी गफलत हुई थी, जो सारा असमंजस निर्मित हुआ था वो इसी आधार पर हुआ था। कांग्रेस पार्टी की माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने जो प्रतिशत बता दिया था वो 27% बता दिया था, न्यायालय को भी भ्रम में रख दिया था, और सदन में तो स्वयं कांग्रेस पार्टी भ्रमित हो गई थी। जो आबादी 52% है, उस 52% आबादी की जनसंख्या को 27% पटल पर रख दिया गया, तब सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट में इसी बात को लेकर चुनौती प्राप्त हो गई थी कि 27% आबादी है तो 27% आरक्षण किस आधार पर दिया जा सकता है, और इसके कारण ये सारा असमंजस का वातावरण निर्माण हुआ। और जयंत चैतन्य जी भाई साहब कह रहे थे, मैं उस बात को दोहराता हूँ, हालांकि वो भिन्न स्वरूप में उसको कह रहे थे, मैं भिन्न स्वरूप में कहूंगा, उनका दृष्टिकोण जो था वो तटस्थ और निष्पक्ष था जी, और क्योंकि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं तो मेरा अपना दृष्टिकोण जो है वो अपनी पार्टी के पक्ष प्रतिपादन के रूप में है। भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है, केंद्र की सरकार प्रतिबद्ध है। आप देखिए कि नीट की पीजी के अंदर 27% आरक्षण का मार्ग केंद्र सरकार की पहल के चलते साफ हो गया, नीट पीजी के एग्जाम में 27% आरक्षण ओबीसी वर्गों को दिया जा रहा है, ईएसडब्ल्यू को 10% दिया जा रहा है, क्योंकि वो आज का विषय नहीं है। लेकिन कमलनाथ कल कह रहे थे, उमेश जी कमलनाथ जी कह रहे थे कल कि मैं तो चाह रहा हूँ कि दे दीजिए ना 27% आरक्षण, लेकर हम आए थे, वो उनका ऐसा कहना था? नहीं, चैतन्य जी ने जो कहा मैं उससे सहमत हूँ कि इस बात से असहमति कोई नहीं रखेगा। आप बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या कोई भी अन्य राजनीतिक दल
जो भी सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इस बात से असहमत है कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया जाना चाहिए। कठिनाई ये आ रही है कि मुझे लगता है कि युद्ध से और प्रेम का नहीं लड़ा जाना चाहिए। और सदन पटल सदन के भीतर इस बात का एक आदर्श उदाहरण मध्य प्रदेश ने प्रस्तुत करा है, चाहे माननीय शिवराज हो या माननीय कमलनाथ जी हो। मुझे लग रहा है कि सदन के दोनों शीर्ष नेताओं ने संदेश स्वर में संकल्प पारित करा था और ये सदन का आम सहमति का सुर बना है। ठीक है, अब जब सदन में एक आम सहमति का सुर बन गया तो फिर श्रेय और प्रेय की राजनीति को लेकर आरोप चलिए समझ लेता हूं। प्रताप भानु शर्मा जी, श्रेय की राजनीति। हेलो जी जी बोलिएगा, आपकी आवाज आ रही, बोलिए। मुझे क्या कहना है बताइए मनोज जी। नहीं, श्रेय की राजनीति लेने की होड़ नहीं है ये। ये मुद्दा ये है कि ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए, कमलनाथ जी ने कहा कि लेकर हम आए थे, और उमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि इसमें श्रेय की क्या जरूरत है, जब सदन में दोनों ने एक साथ खड़े होकर कह दिया कि ये होना चाहिए तो फिर श्रेय क्यों? देखिए साहब, मनोज जी मैं साफ कहना चाहूंगा जी कि 27% आरक्षण दिया जाए पिछड़े वर्ग को, इस बात की शुरुआत कमलनाथ जी के सरकार में ही हुई थी। और 27% आरक्षण की बात नियुक्तियों में भी की गई थी, सिलेक्शन में भी की गई थी, शैक्षणिक संस्थाओं में भी की गई थी। और जैसा उमेश जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को गलत फहमी हो गई और मध्य कमलनाथ जी ने या कांग्रेस की पिटीशन में 27% आरक्षित वर्ग की बात कही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में गई थी तो जो इनका डिफेक्टिव विधेयक था जिसमें रोटेशन की बात नहीं की गई थी पदों की, जिसमें परिसीमन को समाप्त कर दिया गया था, जो 2019 में कमलनाथ जी सरकार के समय हुआ था, 1200 नवीन पंचायतें हुई थी और एक्ट पंचायती एक्ट में ये प्रावधान है कि जब भी नए चुनाव होंगे परिसीमन किया जाएगा, रोटेशन से पदों को रोटेट किया जाएगा जी, जिस जगह पहले आरक्षण था वो सवर्ण हो जाएगा, जहां महिला थी वो साधारण हो जाएगी, सबके लिए उपलब्ध हो जाएगी। इस तरह की उसमें प्रक्रियाएं हैं, उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। पर जब कमलनाथ जी ने एक नोटिफिकेशन कर दिया था, एक कानून बन गया था, तो उसमें उसे रिजेक्ट करने की या उसको खिलाफ ऑर्डिनेंस लाकर उसे निरस्त करने की कोई जरूरत नहीं थी। और जब चुनाव कराने की तैयारियां हो रही थी उसी समय ये डिफेक्टिव ऑर्डिनेंस लाने से ये चुनाव नहीं कराना चाहते थे, इसलिए वो फ्ला रख दिया, वो कमियां रख दी उस ऑर्डिनेंस में। लेकिन 27% आरक्षण मिलेगा कैसे प्रताप भानु जी? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, इसका रास्ता दोनों को मिलकर कर निकालना पड़ेगा। जैसा उमेश जी ने कहा, कमलनाथ जी ने जो एडजर्नमेंट मोशन जो उसमें विधानसभा में प्रस्तुत किया था उस पर सहमति बनी है भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार की। शिवराज सिंह जी ने यूनिनिमस संकल्प को पारित किया है, वो उस एडजर्न स्थगन प्रस्ताव के को ही संकल्प में बदला है, इस बात को ना भूलें ये कि वो इनिशिएटिव यदि दोनों लोग मिलकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, एक राय से कर ले पंचायत में 27% आरक्षण करने में कोई दिक्कत नहीं है, जब दोनों सहमत जी, है तो एक चले जाए सुप्रीम कोर्ट में। चलिए, ये अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। ये कभी कभी देखने को मिलता है भट्ट साहब, जब दोनों दल एक साथ खड़े हो जाए और समझ रहे हैं हम कि स्थितियां क्या है, खड़े होने भी पड़ेगा। उमेश जी भी कह रहे हैं कि उससे कौन इनकार कर सकता, लेकिन क्या कोर्ट में ये दिखाई देगा, सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, देखिए इसलिए दिखाई दे सकता है क्योंकि दोनों ही दल जो ओबीसी का एक बहुत बड़ा तबका है, आधी आबादी आप मान लीजिए 50% से ज़्यादा है, तो उसको अपने पक्ष में लाने की कोशिश करती है। और इसलिए श्रेय लेने की जो बात है तो ये तो पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा ही होता है कि किसी भी मुद्दे में हम श्रेय ले लें, और वो उनका स्वाभाविक भी है, अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो उसका श्रेय लेने की उनको अधिकार भी है। कमलनाथ जी का और शिवराज सिंह जी दोनों ने जो संकल्प पारित किया है उसको लेके अगर आप कोर्ट जाते भी, कोर्ट तो आप ऑलरेडी गई ही हुए, भारतीय जनता पार्टी गई है, केंद्र सरकार ने भी लगाया है, लेकिन संकल्प पारित करने से कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि आपको जब तक कोर्ट ने आदेश नहीं कर देता है, क्योंकि ये कोई ऐसा मामला तो है नहीं कि हमने किसी के लिए कोई योजना जैसे किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया, ठीक है वो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है वो आप कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण का मामला चूंकि बहुत कानूनी तकनीकी पहलू हैं उसके, इसलिए मुझे लगता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई स्पष्ट निर्णय नहीं आ पाता तब तक ये कहना कठिन है। दूसरी बात जो उमेश शर्मा जी ने की कि सुप्रीम कोर्ट ने जो
बात कही थी कि आप वास्तविक संख्या बतलाइए, और उसके लिए शिवराज सिंह पूरी तरह से प्रयासरत हैं, और उन्होंने तो 7 तारीख की शायद मेरे ख्याल से डेडलाइन भी दी थी अधिकारियों को कि 7 जनवरी तक आप ये सारे आंकड़े इकट्ठे कर लें। अब वो आंकड़े इकट्ठे हुए कि नहीं हुए ये अभी सरकार के पास होगी इस बात की जानकारी, लेकिन 17 जनवरी को जो सुनवाई होगी उसमें मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर कुछ ऐसे अकाट्य तर्क रखे जाएंगे मध्य प्रदेश शासन की तरफ से, ताकि ये जो ओबीसी महासभा और जो कुछ लोग उनसे बड़े नाराज हैं उनको अपने पक्ष में लाने की कोशिश हो सकती है। उमेश शर्मा जी, सवाल ये भी है कि चिंता दूसरी तरफ भी है, जैसा मैंने आपसे शुरुआत में कहा था अन्य राज्यों के चुनाव भी हो रहे हैं, और इस वर्ग को आपने भी कहा कि नरेंद्र दास तो कोई भी नहीं कर सकता, ना बीजेपी कर सकती ना कांग्रेस कर सकती। 17 तारीख को सुनवाई से पहले आपने ये भी कहा, जैसा चेतन जी भी कह रहे थे, कि सारे तथ्य ऐसे जुटा लिए जाए जिसमें हम ये बता पाए कि क्या उस पर आप आगे बढ़ पाई आपकी सरकार, क्योंकि उसकी डेडलाइन 7 तारीख थी, लेकिन ऐसी जो खबर है वो अभी हो नहीं पाया उस पर काम, तो 17 को क्या लेकर जाएंगे आप कोर्ट? निश्चित रूप से मनोज जी, मुझे लगता है कि हम 17 तारीख को बहुत प्रमाण पूर्वक सुप्रीम कोर्ट में ये बताने में सक्षम होगी राज्य की सरकार की तरफ से, जो भी हमारे अधिवक्ता गण खड़े होंगे, कि हमने मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी वर्ग की जनसंख्या का वास्तविक आकलन कर लिया है और प्रमाण पूर्वक ये सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करा जाएगा, और इसके बारे में सरकार कटिबद्ध भी है और सरकार की पूरी तैयारी भी है, और मुझे लग रहा है कि 17 जनवरी की सुनवाई के दौरान हम जनसंख्या का जो सटीक आंकड़ा है वो भी प्रस्तुत करेंगे, और उसके अतिरिक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 बिंदुओं को विश्लेषित करने के लिए निर्देशित करा था राज्य की सरकार को, उन दोनों बिंदुओं को भी विश्लेषित करके प्रस्तुत किया जाएगा कि ओबीसी वर्ग का जो आर्थिक आधार वास्तव में क्या है, और आरक्षण के लिए मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जिन बिंदुओं के आधार पर विचार कर रही है इन 3 बिंदुओं को निराकृत करके राज्य सरकार वहां पर प्रस्तुत करेगी, ऐसा हमारा मानना है। एक तो ये बात मनोज जी, और दूसरा मनोज जी जो आपने पहले भी कहा था और इस बार भी एक पूरक प्रश्न जोड़ा है कि 5 राज्यों मनोज जी नजरअंदाज करने की या उनको अभिभूत कर देने की भावना से ये काम नहीं करा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्थापना काल से ये स्पष्ट और दृढ़ मान्यता है कि समाज का कोई भी वर्ग हो जो गैर बराबरी का जीवन जी रहा है उसको समाज में बराबरी का स्थान प्राप्त होना चाहिए, और हम इसमें कतई भी राजनीतिक माइलेज लेने की दृष्टि से नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमने कभी करा भी नहीं है। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बनाए हैं, चाहे उमा भारती जी रही हो या बाबूलाल जी रहे हो या भी माननीय शिवराज जी हो, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रतिबद्धता तो पिछड़ा वर्ग को लेकर। कमलनाथ जी ने कल यही सवाल खड़ा किया है कि आपने मुख्यमंत्री सब बना दिए लेकिन आरक्षण नहीं दे पाए, उनका ये सवाल था, उसका जवाब भी मैं आपसे मैं जो प्रताप भानुजी भाई साहब कह रहे थे वो उच्चतम न्यायालय के अंदर 27% की आबादी नहीं रही थी, ये इस बार की हियरिंग का विषय नहीं है, ये तो उस समय की हियरिंग का विषय जब कमलनाथ जी अपनी सरकार में जुलाई 2020 में इस संकल्प को लेकर आए थे, और उस समय जब न्यायालय में जबलपुर की उस बिटिया अकीता ने चुनौती दी थी तो उस दौरान राज्य की सरकार ने कमलनाथ जी की सरकार के अधिवक्ताओं ने जो शपथ पत्र प्रस्तुत करा था उसमें 27% की आबादी बताई थी, तो ये गफलत तो वहां से शुरू हुई थी। और जो कमलनाथ जी भाई साहब की राजनीतिक चिंता है और जिस राजनीतिक चातुर्य से वो बार बार आगाह कर रहे हैं कि हम 2 महीने बाद सड़कों पर उतर जाएंगे, तो माननीय आपको तो सड़क पर उतरने की आवश्यकता ही नहीं थी, जुलाई 2020 में आपने संकल्प पारित कर लिया था, आपके पास कम से कम कोरोना के आने के पहले के 9 महीने थे, उस समय अगर आप आईफा को प्रायोरिटी नहीं देते आप सलमान खान के लिए फिर बात आईफा पर आ गई जी प्रताप भानु सर, मुझे लग रहा है प्राथमिकता शायद ये हो सकती थी, आप करा सकते थे चुनाव, आपके पास तो 9 माह का समय था, और ये 2 माह की जो गीदड़ भक्की है और राजनीतिक चातुर्य से भरा हुआ बयान है मुझे लग रहा है ये उनकी स्वाभाविक रूप से उनको उम्मीद नहीं रही होगी शायद कि सरकार नहीं रह पाएगी। जी प्रताप भानु शर्मा जी, देखिए उमेश जी अपने सरकार की हुई गलतियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अनावश्यक रूप से, वो तो उनका फर्ज भी बनता है, प्रवक्ता है वो तो करेंगे। सरकार ने पूरी तैयारी कर ली थी पंचायत चुनाव कराने की, और कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही थी, पर जो सौदेबाजी की साठ गांठ की जो सरकार बन गई, भ्रष्ट आचरण की सरकार बन गई, इनके शिवराज सिंह और उनके सहयोगियों ने 5 साल इंतजार नहीं करना उचित समझा, जनता के चुने हुए मैंडेट को भ्रष्ट आचरण से गिरा दिया और ये चुनाव होने वाली प्रक्रिया रुक गई जी, पूरा कोरोना मध्य प्रदेश में फैल गया। ये शिवराज सिंह की सरकार इन 2 वर्षों का आकलन कर ले, 1.5-2 वर्षों का हर मोर्चे पर फैल हुई है, पंचायत चुनाव के मामले में फैल हुई है, किसानों के कर्ज माफी के मामले में फैल हुई है, ओलावृष्टि और सूखे में राहत पहुंचाने में फैल हुई है,
प्रशासन को वो फैल वाले फैल पर चर्चा का विषय बचा नहीं है मेरे पास। करने में फैल हुई है जी, ये विषयांतर तो इन्हें ही किया है उमेश जी ने। इनको कांग्रेस की सरकार पर कमलनाथ जी पर झूठे आरोप नहीं लगाना चाहिए। सरकार इन्हें गिराई नहीं, लेकिन भ्रष्टाचरण से गिरी, और नहीं तो पंचायत चुनाव हो गए होते। हम तो पंचायत समय था ना, आप परिसीमन किया 12-13 महीने आपके पास से करा लेते। इनके इनने 2 साल में क्यों नहीं कराए? अब वो तो सब समझ रहे हैं कि उनने क्यों नहीं कराए। मैं तो आपसे विधानसभा के चुनाव करा लिए, उपचुनाव करा लिए, फला चुनाव हो गए, परंतु पंचायत के चुनाव नहीं कराए इन्होंने जी, क्योंकि इन्हें मालूम था कि इसमें हार जाएंगे, इनकी कलई खुल जाएगी और किसान और गांव का वोटर आज भाजपा के खिलाफ मानसिकता बना चुका है। उमेश जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कह दीजिए, 10 सेकंड है सर, समय नहीं। मैं तो प्रताप भानु भाई साहब इतने वरिष्ठ थे कि उनका प्रतिवाद करने में भी मुझे लगता है कि ठीक नहीं लगता है मुझे, पर मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोरोना के निवेदन करने की उमेश जी जरूरत नहीं है। 17 जनवरी को दोनों ही कराए थे सुप्रीम कोर्ट में, कहते चुनाव कराएंगे। और आरोप लगा रहे हैं कि सरकार का वो जो अंकेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, वो आदित करने की उनको आवश्यकता नहीं है, वो आदित हम जनता से करवाएंगे कि सरकार फेल रही है पास रही। अरे ये चुनाव गली आधार पे तो होते नहीं है, इसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। शिवराज सिंह जी को ये अध्यादेश ठीक है सर लागू नहीं करना चाहिए। चलिए उम्मीद गली आधार पे नहीं होता राजनीति के लोग सर चलिए सर हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ जुड़े तीनों मेहमानों का। लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मसला जल्द ठंडा पड़ेगा दिखाई नहीं देता, ये बात अलग है कि तापमान में काफी गिरावट है, ठंड बड़ी तेज से पड़ रही, लेकिन दूसरी तरफ गर्माहट ओबीसी आरक्षण को लेकर है। दोनों दल के अपने अपने दावे वादे हैं। 17 जनवरी को फिर एक सुनवाई होना है और ये सुनवाई बड़ी महत्वपूर्ण होगी। सरकार का प्रयास भी यही है कि उससे पहले तमाम तरह के साक्ष्य जुटा लिए जाएं और जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से लायर खड़े हों, वकील खड़े हों, तो वो ये बता पाएं कि 27% आरक्षण ओबीसी के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि 50% से ज़्यादा ऐसा कहा जाता है कि जनसंख्या है, तो क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है और चिंता दोनों ही तरफ है, चाहे बीजेपी की चिंता हो या कांग्रेस की। लेकिन इतना जरूर है कि ओबीसी ने अभी दोनों की मुश्किल बढ़ा रखी, आगे क्या होगा दिखाई देगा। पहली खबर पहली बहस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसली पर। नमस्कार।